गुड मॉर्निंग। आज है 15th of June 20 और मैं हूँ तुलसीधारा रिजॉर्ट में। आज मॉर्निंग की 5:30 बजे की हमारी जंगल सफारी है। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं 4 बजे सुबह उठा और अब हम रेडी हो रहे हैं कर्माझिरी गेट के लिए। जो कर्माझिरी गेट है वो हमारा रिजॉर्ट से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर फार है, तो हमको ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहले निकलना पड़ेगा क्योंकि 5:30 को सफारी स्टार्ट हो जाती है। चलिए बाहर देखते हैं बाहर का नज़ारा। ये है हमारे हट रूम के बाहर का नज़ारा। तुलसीधारा रिजॉर्ट एंड पैलेस। अभी मॉर्निंग के 4:45 हो रहे हैं। चिड़ियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। यहाँ पीछे जंगल है। ये टेंट टाइप कॉटेज है। देन ये हट टाइप रूप। 4, 5, 4, 3, 2, 1 पांच एकोमोडेशंस हैं। रेडी हो गए सफारी के लिए? सुबह के 4:45 बज रहे हैं। अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। हम डिसाइड किए हैं कि जो सफारी का सेंटर पॉइंट है वहीं ही ब्रेकफास्ट करेंगे, या फिर सफारी से जब हम वापस आ जाएंगे 10:30-11 बजे वापस रिजॉर्ट में, तो हम इनके रेस्टोरेंट में ही ब्रेकफास्ट कर लेंगे। सुबह के बज रहे हैं 5। ये जो फीलिंग है मैं आपको वीडियो में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। आप इमेजिन करिए कि ये पूरा घना जंगल है। सुबह के 4:30-5 बज रहे हैं। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। मेरे लेफ्ट सॉरी राइट साइड पूरा घना जंगल है। मेरे लेफ्ट साइड तो मैदान मुझे दिख रहा है, और वो भी मुझे विजिबिलिटी अच्छे से दिख नहीं रही है। मैं आगे नहीं ही जाना पसंद करूँगा। आप इधर देख सकते हैं, इधर साइड भी पूरा खेत है, और राइट साइड में तो घना जंगल है। अभी जब हम इस रिजॉर्ट में रुके हुए हैं तो यहाँ पे बहुत ही कम फैमिलीज़ हैं। मुश्किल से एक दो फैमिलीज़ ही हैं जो कि दूर के कॉटेजेस में रुकी हुई हैं। हमारा जो ये कॉटेज है यहाँ पर हम रुके हुए हैं। बाकी पूरा जो रिजॉर्ट है वो खाली है। इनका जो रिसेप्शन एरिया है वो भी दूर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 100 मीटर से। लेकिन ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो जंगल के बीच में है, तो थोड़ा सा अलग सा एक्सपीरियंस है। यहाँ पूरा पीछे जंगल है। इधर अकेले जाने में थोड़ा डर लग रहा है। कि जानवर जंगली जानवर आने का खतरा है। पीछे पूरा जंगल लगा हुआ है, पूरा जंगल के फॉरेस्ट अंदर का है ही अपन, एरिया है। जंगल के बीच में है ना जंगल ये के बीच कॉटेज। में अपन। अभी मैं वहां जाने का सोच रहा था। सोचियो नहीं अगर नहीं शायद मतलब ऐसे ही कभी अकेले जा रहे हैं और अचानक से एक झाड़ी में आग चमक रही है। हेलो बड़ी लकड़बग्घा सी यार की। ये फॉरेस्ट पूरा पीछे से लगा हुआ चारों तरफ से। लेकिन अच्छा एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है।
रेडी फॉर द सफारी। ये है मेरा DSLR बैग, कार की चाबी, यहाँ कुछ और सामान, और निकल रहा हूँ सफारी के लिए। निकल रहा हूँ कारमाझीरी गेट के लिए। कारमाझीरी गेट इस रिजॉर्ट से 15 किलोमीटर है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया। ये है कारमाझीरी गेट पेंच नेशनल पार्क का। ये एंट्रेंस है कारमाझीरी गेट और सफारी इज गोइंग टू स्टार्ट। ये है मेरी DSLR। पेंच नेशनल पार्क टोटल 760 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है और सफारी के लिए मात्र 20% एरिया ही एक्सेसिबल है। रेस्ट 80% एरिया सफारी के लिए नहीं है। ये है हिरणों का झुंड। चीतल भी होते हैं, चीतल बोलते हैं, मतलब जिनके में स्पॉटेड रहेगा वो चीतल। आगे भी है, ये है वाइल्ड बफेलो, बहुत सारे।
ये शायद जब झुंड में रहते हैं तो हमला नहीं करते ना, नहीं मेल रहे तो ज्यादा दिक्कत है। ये सारे मेल है, बाकी फीमेल है, मेल मेल वो दूर नहीं दिख रहा। ओके इनका लाइफ स्पैन कितना रहता है? लाइफ स्पैन सर ये कब टाइगर का शिकार बन जाए लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा हो जाता है इसका लाइफ स्पैन। वो मेल है, लेटेस्ट सेंसेक्स के अकॉर्डिंग मेच नेशनल पार्क में टोटल 3000 से 4000 वाइल्ड बफेलोस या फिर गौर हैं, जिसे बाइसन भी कहा जाता है। हिरण के बाद बाइसन। तो धीरे चलते हैं, पता नहीं चलता। मुझे पोजीशन दे, नेशनल पार्क में टोटल 285 बर्ड्स की स्पीशीज हैं, जिसमें से लगभग 10% माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। सुबह के लगभग 6:30 बज चुके हैं और हम इस नेशनल पार्क में टाइगर की खोज में है। जंगल में अलग अलग बाघों के उनके अपने टेरिटरीज होते हैं। अभी हम सिर्फ टेरिटरी में सफारी कर रहे हैं। वो टेरिटरी या इलाका लक्ष्मी नाम की एक टाइग्रेस यानी कि फीमेल टाइगर का है। ये सांभर डियर थोड़ी आगे ले लो, थोड़ा आगे ले और फिर थोड़े ही समय बाद हमें वो टाइग्रेस लक्ष्मी नजर आ जाती है। यहीं आ रही है, बहुत सही जगह पर, बहुत सही जगह पर। अरे उस पर जो सनलाइट आई है ना, बहुत प्यारी फोटो आई है। आगे चल, इसके पीछे ले लो, इसके पीछे।
दो मोड़ सामने छोटा सा बंदर का बच्चा भी के साथ में। अरे कल पापा से अच्छा वही वाला है इसका लीजिए मोर का ले पाया बेटा। ये छोटा सा बंदर का बच्चा देखना है लाल मुख का बंदर का बच्चा वो भी अपन को देखना है। अरे अभी हम जिस इलाके से गुजर रहे हैं ये पेंच नेशनल पार्क का मार्श लैंड है, मतलब दलदली इलाका। ये बारिश के मौसम में पानी से भर जाता है और वैसे भी बरसात के मौसम में जंगल सफारी बंद हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर नेशनल पार्क में सफारी 15 जून या फिर 30 जून से 30 अक्टूबर तक बंद हो जाती है। ये है पेंच नेशनल पार्क का सेंटर पॉइंट। यहाँ पर नाश्ता करते हैं और ये मिडवे ऑफ सफारी है, मतलब हमने 50% अपना सफारी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे रिमेनिंग 50%। सेंटर पॉइंट से नाश्ता करके अब हम निकल रहे हैं अपनी रिमेनिंग सफारी को कंटिन्यू करने। वीडियो में आप जो रिवर देख रहे हैं इस रिवर का नाम है पेंच रिवर। इसी रिवर के नाम से पेंच नेशनल पार्क का नाम पड़ा है। ये कान्हान रिवर भी कहलाती है। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है और पेंच नेशनल पार्क से होती हुई महाराष्ट्र में जाती है। आज तारीख है 15 जून
क्योंकि हम अपनी सफारी जून के महीने में यानी कि गर्मियों में कर रहे हैं, इसलिए पानी का लेवल ज़्यादा नहीं है। इस रिवर की लेंथ 195 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह मध्य प्रदेश से होती हुई महाराष्ट्र को जाती है। दूर तक विजन आ रहा है ना, बाकी उस जगह थी। गर्मी में विजिबिलिटी दूर तक अच्छी रहती है, इसलिए गर्मी में ज्यादा दूर तक भी दिख जाता है ना, इस तरह से है। ठंड में भी उतना मतलब ग्रास वगैरह होते हैं, ग्रास है, झाड़ियां, लिप्स वगैरह। पीक सीजन कब रहता है? समर में। समर में इसीलिए अभी ना बुकिंग सिर्फ एक ही मिल रहा था। अब अपन उधर वाले में जाएंगे, यूपी वाले में। वो यूके में नहीं ना, हाँ वो जिम कॉर्बेट, तब जिम कॉर्बेट में जाएंगे। जिम कॉर्बेट का ना बहुत ज्यादा वो है, लाइन वाला है ना वो? नहीं नहीं, वो लाइन वाला तो गिर है गुजरात में। हाँ, ये दो दो को जाना है उत्तराखंड। सारे मेल ऐसे की आवाज को क्या समझ रहे हैं? दूसरे जानवर उनको अलर्ट कर रहे हैं, टाइगर को देख के आवाज कर रहे हैं। अच्छा, इसको कर आवाज उठा, तब ये लोग अलर्ट हो गए। रात भर जगते ही बैठना, जब सो रहेंगे तो दबे पास चौकन्ना रहने के लिए। मतलब ये भी तो आवाज, तो मतलब हिरन दिन में आराम करते, रात को चौकन्ने रहते। रात भर ये और फिर लाज है यहाँ पे रिसोर्ट वगैरह।
अपनी सफारी कंप्लीट कर ली है, अब हम अपने रिजॉर्ट तुलसीधारा में जा रहे हैं। कारमाझीरी में ठहरने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि ये जो गेट है ये थोड़ा बाकी गेटों से अलग है, दूर है। यहाँ पर आपको रेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट और मार्केट नहीं मिलेगा। कारमाझीरी का जो गेट है ना, ये बहुत ही अकेला गेट है बाकी अन्य गेटों से। तो यहाँ सिर्फ आपको ये एक ऑफिस मिलेगा जहाँ पर आपको अपने सफारी की बुकिंग करनी है, और अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग पहले से करा ली है तो वो वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। इसके अलावा सिर्फ एक ये मायाश्री रेस्टोरेंट भोजन एवं ठहरने का व्यवस्था है, तो ये भी उतना अच्छा नहीं है रुकने का। तो सजेशन यही है कि अगर आप कारमाझीरी गेट बुक करते हैं तो 15-20 किलोमीटर दूर आप कोई अच्छा रिसॉर्ट ले लें, और अगर आपकी सवेरे की सफारी है 5:30 बजे की तो आप 4 बजे अपने रिजॉर्ट से सवेरे निकल जाएं कारमाझीरी के लिए, जैसे कि हमने किया है। आपको गेट का मैं फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। ये है पेंच नेशनल पार्क, द मोगली लैंड। मोगली की जो कहानी है ना वो इस ही जंगल से इंस्पायर है, तो इसलिए पेंच नेशनल पार्क को मोगली लैंड भी बोला जाता है। तो ये है पेंच नेशनल पार्क का कारमाझीरी गेट, वहाँ पर रेंजर और ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। ये एक रेस्ट हाउस है गवर्नमेंट का, ये भी फुल ही चलता है, इसकी बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। अब हमारी सफारी कंप्लीट हो गई है, ये हमारी कार है, यहाँ बैठे हैं मम्मी पापा। बस अब हम लोग निकल रहे हैं अपने रिजॉर्ट के लिए। ये रोड है कारमाझीरी गेट से वापस रिजॉर्ट जाने वाली, तो ये 15 किलोमीटर का पैच है और ये विलेज के अंदर से होते हुए हम अपने रिजॉर्ट जा रहे हैं। रोड की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ यहाँ पर मतलब कुछ किलोमीटर तक, शायद 5 किलोमीटर और उसके आगे 10 किलोमीटर तक अच्छी रोड है, लेकिन इतनी ही चौड़ी है। तो अगर आप कारमाझीरी गेट में अपना सफारी बुक करते हैं तो आपको एकोमोडेशन जो है वो 15 से 20 किलोमीटर दूर ही मिलेगी। तो जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि जंगल सफारी फिनिश करके मैं अपने रिजॉर्ट आ गया हूँ, तो इस रिजॉर्ट में जो कि बहुत प्यारी सुंदर प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी के अंदर में स्विमिंग पूल भी है। तो मैं जा रहा हूँ स्विमिंग पूल में थोड़ा रिफ्रेश होने। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है स्विमिंग पूल और यहीं पर है रेस्टोरेंट। अब मैं थोड़ा स्विमिंग पूल एंजॉय करूंगा।
थोड़ा नीचे ये है प्रॉपर्टी तुलसीधारा रिजॉर्ट की। जैसे कि मैंने रात को बताया था, इनके पास अलग अलग एकोमोडेशन टाइप्स हैं। एक है महाराजा टेंट, ये शायद वाटर फाउंटेन है, अभी चल नहीं रहा है। ये है इनका महाराजा टेंट। फिर वो है कैफेटेरिया, और वही है स्विमिंग पूल जहाँ पर अभी मैं स्विमिंग कर रहा था। देन थोड़ी दूर अगर आप आगे चलेंगे तो इनके पास है ग्लास हाउस। ग्लास हाउस जो है ये पूरा ग्लास से बना हुआ है। ये है ग्लास हाउस, ये ग्लास से बना हुआ है। दो हाउस हैं। ये छोटा सा ब्रिज है, वहाँ भी छोटा सा ब्रिज है महाराजा टेंट में जाने के लिए। यहाँ से आई थिंक पानी बहता होगा, अभी तो ये रनिंग में नहीं है। ये दो इनके पास है ग्लास हाउस। अंदर से कर्टन लगे हुए हैं, ऑब्वियसली एयर कंडीशनड है सारे। आई डोंट नो महाराजा टेंट का कैसा होगा। महाराजा टेंट तो कपड़े का है, तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें एयर कंडीशनिंग होगी। देन इनके पास तीसरा एक टाइप है ट्री हाउस राइट साइड में, जहाँ कल मैं ऊपर गया हुआ था। ये है ट्री हाउस, ये भी एयर कंडीशनड है। नीचे में कंप्रेसर लगा हुआ है, ऊपर में एसी है। मैं अंदर तो नहीं जा पाया क्योंकि हमने ये बुक नहीं किया है, तो मैं अंदर नहीं गया, ऊपर मचान तक गया हुआ था। वैसे उस ट्री हाउस में अभी कोई रुका नहीं है, तो मैं ऊपर तक इसलिए गया था, लेकिन इसको बुक किया जा सकता है। देन ट्री हाउस के सामने एक और मचान है, सॉरी मचान नहीं, ब्रिज है। और ये है मचान, इस पे चढ़कर देखूंगा क्या है। ऊपर में ऐसे ही प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर है ऐसे ही एंटरटेनमेंट एरिया, या आई थिंक पार्क है। प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी है, सुंदर है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो इसको मेंटेन करने में भी चैलेंजेस आते होंगे। देन ऊपर है एक और काइंड ऑफ हाउस, ये भी गार्डन है, ये भी तरीके का घर है।
चलते हैं वापस। ये शाम के समय काफ़ी अच्छा यहाँ एम्बियंस रहता है। अभी तो जून का महीना है, आज 15 जून है, काफ़ी गर्मी है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द सफारी गर्मी में ही करते हैं क्योंकि टाइगर साइटिंग, एनिमल साइटिंग ज़्यादा होती है। जैसे आज हमने पेंच में जो जंगल सफारी करी उसमें एक फीमेल टाइग्रेस हमारे जिप्सी के सामने से हमको क्रॉस करी। बांधवगढ़ भी हम इससे पहले 10 दिन पहले गए हुए थे, जिसका ब्लॉग मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, तो वहाँ 3-4 शेर हमें दिखे थे। तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं गर्मी में जंगल सफारी करने के, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द सफारी जो हम करते हैं वो गर्मी के समय में ही समर्स में करते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। ये भी प्रॉपर्टी अपने आप में मतलब शोभा बढ़ाती है जगह की। वैसे जैसे कि मैंने कल वीडियो में भी बताया कि इस रिज़ॉर्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, हालांकि ये शायद लिस्टेड है मेक माई ट्रिप में, लेकिन मैंने मेक माई ट्रिप से बुक नहीं किया, मैंने गूगल से यहाँ के जो ओनर है उनका नंबर डायरेक्ट लिया था, फिर मैंने उनसे नेगोशिएट किया और 2 दिन का 2 नाइट्स का जो स्टे है वो बुक किया है, मील विथ मील विदाउट मील आप बुक कर सकते हैं। मैं यूट्यूब में ऑन वीडियो कोट नहीं कर रहा हूँ रेट, क्योंकि वो कम ज़्यादा होते हैं ऑफ सीज़न ऑन सीज़न, और जो प्राइस है वो नेगोशिएबल है। ओके, सो मुझे तो मतलब पर हेड मैं एक रेंज दे देता हूँ, पर हेड मुझे 2 से 2,500 रुपये पड़ा है, 2,500 रुपये विथ मील, मतलब तीनों मील ब्रेकफास्ट लंच और डिनर इंक्लूड करके 2,500 रुपीज़ 2,500 रुपये एक जन के। तो हम 4 लोग हैं, तो उस हिसाब से एक जन एक दिन का 10,000 बनता है 4 लोगों का, जिसमें 4 लोगों के लिए एक हमारा ये जो हट है एयर कंडीशन वो बुक्ड है, और 3 टाइम के मील इंक्लूड हैं, और अगर आप मील इंक्लूड नहीं करते हैं तो आई थिंक पर हेड 1500 है चार्ज। ये हमारा हट है, तो इनके पास अलग अलग तरीके के हाउसेस हैं, जैसे सामने एक टेंट हाउस है, सबसे पहले महाराजा टेंट था, फिर ग्लास हाउस है, ट्री हाउस है, ये महाराजा टेंट से मिलता जुलता एक छोटा सा टेंट हाउस है, देन ये लाइन से हट रूम्स हैं। तो हमारा जो रूम है वो है ये रूम नंबर 1। उसमें एयर कंडीशन ये। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद अब रिज़ॉर्ट में लंच कर रहे हैं,
और हमने मंगाया है लेमन टोमेटो राइस, शाही पनीर, तंदूरी रोटी और एक और वेजिटेबल है। गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और सबसे पास का पेट्रोल पंप 30 से 35 किलोमीटर दूर है, तो हमें लूज में विलेज से ये दो बॉटल्स खरीदने पड़े। जाना पड़ेगा 17 मावा। अभी हम हाईवे पे एक ढाबे में आए हुए हैं डिनर करने के लिए। हमारा जो रिज़ॉर्ट है तुलसीधरा रिज़ॉर्ट, वहाँ पर का जो खाना है वो हमें उतना अच्छा लगा नहीं। एलाकार्ट हम प्रेफर कर रहे थे लेकिन वो खाना उतना अच्छा है नहीं, तो हमने हाईवे में जो ढाबे होते हैं वो एक्सप्लोर करना पसंद किया। तो एक ढाबा है हाईवे पे 15 किलोमीटर आगे, जहाँ पर हमको फ्रेश खाना मिल सके। इनकी रोलिंग अच्छी है, मतलब ताज़ा और फ्रेश खाना बनाते हैं, इसलिए हमने यहाँ ढाबे से खाना प्रेफर किया। ये क्या है? सेव भाजी है, सेव भाजी, दाल फ्राई, पनीर। ढाबे से खाना खाकर हम हाईवे पे थोड़ा और आगे गए और हमें पास में एक पेट्रोल पंप दिख गया, जहाँ पर हमने अपनी टंकी फुल करी। तो हम अब अपने रिजॉर्ट वापस जा रहे हैं। हम बाहर हाईवे पे ढाबे में डिनर करने आए थे, तो 15-17 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा ढाबा था जिसका वीडियो मैंने पीछे दिखाया। हम वहाँ पर डिनर करके और गाड़ी के फ्यूल टैंक को फुल करके अब हम वापस अपने रिज़ॉर्ट जा रहे हैं। यहाँ से अभी रिज़ॉर्ट है लगभग 14-15 किलोमीटर। हम ढाबा क्रॉस किए, हमको सिर्फ अभी 2-3 किलोमीटर ही हुए हैं। अब बारिश स्टार्ट हो गई है और सुनसान इलाका है, ये गांव वाला एरिया है, अगल बगल खेत है, जंगल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइटिंग वाइटिंग तो बढ़िया थी। और ये पहुंच गए हम अपने रिजॉर्ट। चलो वहां चल के बैठते हैं, वहां लेफ्ट साइड।
वहाँ चल के बैठते हैं थोड़ा। लेफ्ट साइड पूरा खेत है। एक ही साइड का भी फ्लो मिलाया है। अरे वो सोचो दोनों ट्री हाउस है, वो ट्री हाउस। हाँ वो ट्री हाउस है वहाँ पे। मेरे को सोचती हूँ ना कि कैसे इसे दोनों तरफ शानदार बना दें। ऐसे कुछ महाराजा टेंट। मस्त हवा चल रही है ना। ये था हमारे पेंच नेशनल पार्क का डे टू। रात में ढाबे से डिनर करके हम वापस अपने रिजोर्ट आए। थोड़ी देर रिजोर्ट के एंटरटेनमेंट एरिया में रिलैक्स करने के बाद हमने रिजोर्ट में यूं ही वॉक किया। इसके बाद हम अपने हट की तरफ बढ़ गए रात में सोने के लिए।
आने वाला अगला दिन 16 जून का है और हमें सुबह चेकआउट करना है इस खूबसूरत जगह से।